नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दिखने में बेहद हैंडसम, गुड लुकिंग ये हैं गौतम रोड़े, जो अपनी एक्टिंग से टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। आइए आपको बताते हैं गौतम रोड़े से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां जो उनके फैंस जरूर जानना चाहेंगे। गौतम का जन्म 14 अगस्त 1977 को दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता सुरेंद्र रोड़े एक रिटायर्ड ब्रोकर और उनकी माँ संगीता रोड़े एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। गौतम की एक बड़ी बहन है जिनका नाम रश्मि रोड़े है। गौतम के एजुकेशन की बात करें तो गौतम ने स्कूली शिक्षा दिल्ली में धौलाकुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से की और दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज से ही पढ़ाई पूरी की। वो बचपन से ही अपने फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस रहा करते थे, जिसकी वजह से आज वो 40 के होने के बावजूद भी लगते हैं सिर्फ 25 या 27 साल के। वो वेजिटेरियन हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी पूरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई, जिससे उन्हें शुरुआती दिनों में आर्थिक संकट झेलना पड़ा था। गौतम के टीवी करियर की बात करें तो उन्होंने 1995 में जहां प्यार मिले टीवी सीरियल से भारतीय टेलीविजन स्क्रीन पर डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने रिश्ते टीवी सीरियल में काम किया, जिसे दर्शकों से अच्छा प्यार मिला। 2000 में उन्होंने अपना स्टाइल थ्रिलर एट 10 में भी काम किया। इसके बाद उनके कई सीरियल आए, जैसे बा बहू और बेटी, लकी बेटियां, अपनी या पराया, इंतजार, सिंपली सपने, रूबी, बाबुल कांगला, छूटे ना, माता की चौकी, काशी, क्राइम एंड बॉलीवुड, मान रहे तेरा पिता, आहट, मेरा नाम करेगी रोशन, परिचय, तेरी मेरी लव स्टोरीज, ये सभी काफी पसंद किए गए। गौतम की पहचान 2012-13 में दूरदर्शन पर आने वाले रोमांटिक सीरियल सरस्वती चंद से बनी। ये शो उस साल का सबसे पॉपुलर शो था, जिसने कई कॉर्पोरेट कंपनीज के शोज को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद 2014 को आई महाकुंभ, एक रहस्य कहानी, और 2015 में आई सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल भी काफी हिट रहा। इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में और भी इजाफा हो गया, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और ऊंचा हो गया। गौतम बॉलीवुड करियर की तरफ भी गए। 2002 में अनर्थ फिल्म से उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया और उसके बाद उन्होंने यू, बोम्सी एंड मी, अज्ञात, अक्सर और अक्सर 3 में नजर आए। गौतम और पंखुड़ी की लव स्टोरी भी अपने आप में खास रही। सरस्वती चंद्र और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे सीरियल्स में नजर आ चुके टीवी के हैंडसम एक्टर गौतम रोड़े ने इसी साल अपने से 14 साल छोटी एक्ट्रेस पंखुड़ी अवस्थी से शादी करके कई फीमेल्स फैंस का दिल तोड़ दिया था। आपको बता दें कि 5 फरवरी 2018 को दोनों की शादी राजस्थान के अलवर में बेहद ग्रैंड तरीके से हुई। गौतम और पंखुड़ी की पहली मुलाकात साल 2015 में सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण के सेट पर हुई थी। शो के सेट पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस शो में गौतम ने कर्ण का किरदार निभाया था और पंखुड़ी द्रौपदी के किरदार में नजर आई थी। इस शो के समय गौतम ने पंखुड़ी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और पंखुड़ी ने हाँ कर दिया था। एक दूसरे को कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी गौतम और जेनिफर के रिलेशनशिप की भी खबरें आई थी सरस्वती चंद के सेट से। तो ये है गौतम की अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।